नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर खड़े होकर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने की मांग की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि कच्चे तेल के दाम कम है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की हठकर्मिता के चलते जनता पर बोझ बनता जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम आसमान छू रहे हैं। इसके साथ ही देश के अन्य चीजों पर बढ़ती महंगाई भी लोगों के जनजीवन पर असर डाल रही है। इसके साथ ही भाजपा में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही भाजपा सरकार पेट्रोल व डीजल के रेट कम नहीं करती है तो कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। बिल्कुल, जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल पूरे देश की चरमरा गई है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत सस्ता है, वहीं हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पक्के तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, आसमान छू रही हैं। गरीब आदमी का, आम आदमी का आज की तारीख में सड़कों पर चलना दुश्वर हो चुका है। सरकारी कोई ट्रांसपोर्ट ये लोग अच्छा दे नहीं पा रहे हैं, तो लोगों की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को देखें तो उसका सारा बजट बिगड़ चुका है आज की तारीख में। तो ऐसे में जो है आज सत्ता के नशे में चूर बैठी हुई है, तो कांग्रेस इसके खिलाफ अपना सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है और एक ना एक दिन जनता के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस सरकार के कानों के अंदर जू जरूर रहेगी। और ये जो एक तरफा तानाशाही चल रही है, जनता की नहीं सोच रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक दिन ये इनके पता लगेगा कि जनता को तंग करने का क्या फल होता है।